सुनो कविता, अगर आपको अगला बस ट्राई किए होंगे हाय गाइज, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माई चैनल। सो आज मैं करने वाली हूँ फर्स्ट टाइम एक फूड रिव्यू वीडियो, जो है बेल्जियन वॉफल्स का। बीच में बेल्जियन वॉफल्स ने काफ़ी वैरायटी के नए फ्लेवर्स लॉन्च किए थे। वॉफल्स और पैनकेक्स दोनों में भी ये फ्लेवर्स अवेलेबल है। बट मैंने जोमैटो पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे इसके रिव्यूज़ जानने की कोशिश की, थोड़े फ्रेंड्स से भी पूछा, बट नोबडी हैड ट्राइड। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं ये फ्लेवर्स मंगाऊंगी एंड आई विल मेक अ फूड रिव्यू वीडियो ऑफ इट। सो द फर्स्ट फ्लेवर जो मैं ट्राई करने वाली हूँ वो है ये किकी एंड क्रीम। ये आप देख सकते हैं, इसका काफ़ी अट्रैक्टिव सा ब्लू फ्लेवर है। लेट्स सी हाउ इट इज़। वाओ। अगर आपको मिल्क बिकीज पसंद है देन दिस इज़ द फ्लेवर फॉर यू। और जिन्होंने मिल्क बिकीज नहीं खाए हैं, मैं यहाँ कहीं पे तो उसका एक फ़ोटो डाल दूँगी। सो दिस इज़ एग्जैक्टली टेस्टिंग लाइक मिल्क बिकीज, सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। मुझे बहुत पसंद आया ये। द ओनली थिंग इज़ कि ये घर पे मंगाते हो तो ये थोड़ा सा सॉगी हो जाता है, और वॉफल्स बाहर से क्रिस्पी और अंदर से थोड़े से सॉफ्ट सॉगी अच्छे लगते हैं, बट ये थोड़ा ज़्यादा सॉगी हो गया है, बट इट्स वेरी नाइस। द नेक्स्ट फ्लेवर विच आई एम गोइंग टू ट्राई इज दिस, विच इज़ आमंड कोको बटर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आमंड्स के थोड़े से पीसेस लगाए हैं। सो लेट्स सी। अच्छा है, ठीक ठाक है। आई एम नॉट अ नटी पर्सन, मुझे पीनट बटर, आमंड बटर इतना पसंद नहीं है, बट इफ़ यू आर अ पीनट बटर और एन आमंड बटर फैन देन यू शुड गो फॉर दिस। आई डोंट लाइक दिस सो मच, सो मैं ये अपनी बहन को दे दूँगी, शी विल लाइक इट बिकॉज शी इज़ अ नटी पर्सन। ओके, सो अगला फ्लेवर है ये बेल्जियन चॉकलेट का। बेसिक बेल्जियन चॉकलेट है, सो आई एम गोना ट्राई दिस। आई हैव ऑलरेडी ट्राइड इट, बट रिव्यू बता देती हूँ कि ये कैसे बनाया। ये एक बेसिक बेल्जियन चॉकलेट है, दिस कैन नेवर फेल। बहुत अच्छा है ये, बाहर से एकदम क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है, एग्जैक्टली हाउ आई लाइक। एंड दिस इज माई सिस्टर्स फेवरेट, तो वहाँ से हाथ ऊपर कर रही है दैट शी वॉन्ट्स इट, सो आई विल पास इट ऑन टू हर। तो अगर आपको रिस्क नहीं लेना देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस वन गाइज, बेस्ट। ओके, सो द नेक्स्ट इज दिस रेड वेलवेट। आई होप ये क्रीम चीज़ हो एंड कोई नॉर्मल क्रीम ना हो, क्योंकि रेड वेलवेट केक भी अगर आप ट्राई करते हो तो जो लोकल बेकरीज है, इवन मॉन्जनीज, वो रेड वेलवेट केक में व्हिपिंग क्रीम डालते हैं, क्रीम चीज़ नहीं डालते, बट वो क्रीम चीज़ के साथ ही रेड वेलवेट केक अच्छा लगता है। और बाय द वे, मैंने एक रेड वेलवेट केक की रेसिपी विथ क्रीम चीज़ ऑलरेडी अपने चैनल पर पोस्ट की है, तो अगर अब तक आपने वो वीडियो चेक नहीं किया है उसकी लिंक मैंने यहाँ पे ऊपर अटैच की है। सो आप प्लीज़ वो वीडियो डेफिनेटली देखिए, ट्राई ज़रूर कीजिए, आई एम श्योर यू आर गोना लव इट। सो लेट्स ट्राई दिस। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। थोड़ा सा सॉगी हो गया है,
जब आप घर पे मंगाते हो तो यही एक बस डिसअपॉइंटिंग पार्ट है कि थोड़ा सा सॉगी हो जाता है। तवे पे ऑब्वियसली आप इसे रोस्ट करके थोड़ा सा क्रिस्पी बना सकते हो। अंदर इसकी फिलिंग भी काफ़ी अच्छी की है, यू कैन सी। इफ़ यू लाइक रेड वेलवेट केक देन यू आर डेफिनेटली गोना लाइक दिस। ये थोड़ा सा आई थिंक ये खिक्की एंड क्रीम वाला जो वॉफल है वो साथ में बनाया था इन्होंने, तो उसका ये ब्लैक कलर का बैटर लगा है। बट ओवरऑल इट्स अमेजिंग, स्वीटनेस भी परफेक्ट है, क्रीम चीज़ का इस्तेमाल किया है एंड दिस इज़ अमेजिंग, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। पॉसिबॉन फिर से कर लेते हैं, स्क्रीन के उस तरफ प्रेक्षक बैठे हुए हैं फूड रिव्यू लेके, फिर वहाँ पे पास कर रहे हैं हम फॉर देम टू ट्राई। ओके लास्टली ये वाला बचा है, दिस इज पिंक क्रीम विथ ओरियो। आप देख सकते हैं कि ओरियो है, अच्छे खासे ओरियो दिख रहे हैं यहाँ पे, थोड़े से मैंने पहले ही खा लिए थे। सो लेट्स सी, मुझे लगता है ये थोड़ा सा कॉटन कैंडी, कैंडी फ्लॉस जैसे होगा। नहीं, कैंडी फ्लॉस क्या होता है यार, इसे कहते हैं बुड्ढी के बाल जैसा फ्लेवर आई थिंक इसका हो सकता है बिकॉज ऑफ द पिंक कलर दैट इट हैज। तू भी ओवरएक्टिंग करता है साला, ओवरएक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवरएक्टिंग की वजह। सो लेट्स सी हाउ इट इज। अच्छा है, अंदर काफ़ी सारे ओरियो डाले हुए हैं। आई एम एक्चुअली नॉट अंडरस्टैंडिंग कि इसका फ्लेवर कैसा है, कैंडी फ्लॉस जैसा तो बिल्कुल नहीं है। ओके है ये भी, बस ओरियो है और स्वीटनेस है, शुगरी टाइप्स इसका फ्लेवर आ रहा है। आई डोंट नो विच फ्लेवर इट इज़, मे बी ओरियो बिस्किट्स थोड़े ज़्यादा हो गए इसीलिए जो पिंक क्रीम इसमें है उसका फ्लेवर पता नहीं चल रहा। सो आई एम गोना हैव अनदर बाइट जस्ट टू चेक उसका टेस्ट कैसा है। थोड़ा ओरियो निकाल के टेस्ट कर रही हूँ ताकि पता चले कि फ्लेवर एक्चुअली क्या है। ऑल्सो कैन सी दिस पार्ट, बैटर जो है काफ़ी ज़्यादा है और फिलिंग मुझे थोड़ी सी कंपेरेटिवली कम लग रही है। सो इट्स अ नो फॉर मी, आई विल नॉट गो फॉर दिस द सेकेंड टाइम। आई थिंक आई लव द किकी एंड क्रीम अमंगस्ट ऑल, बेस्ट है ये। रेड वेलवेट तो हमेशा से ही पसंद है केक्स में, सो मुझे वॉफिल भी वो पसंद आया। बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ अमेज मी, क्योंकि इसका कलर देख के मुझे लगा था कि थोड़ा मिंट टाइप फ्लेवर हो सकता है बिकॉज ऑफ द ब्लू कलर, बट ये एकदम प्रॉपर मिल्क बिकीज़ की तरह ही इसका फ्लेवर है एंड आई लव मिल्क बिकीज़। सो अगर आपने मिल्क बिकीज़ नहीं खाए हैं तो 20 रुपीज़ में हार्डली बिस्किट का पैकेट आता है, पहले बिस्किट ट्राई कर लो, बिस्किट अच्छा लग गया तो गो फॉर दिस वॉफिल जुगाड़। तो अगर आपने इसके पहले बेल्जियन वॉफल के कोई फ्लेवर ट्राई किए हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विच इज़ योर फेवरेट बेल्जियन वॉफल फ्लेवर। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, दिस वॉज माई फर्स्ट एवर फूड रिव्यू वीडियो। सो आई होप आपको ये पसंद आया हो एंड इट मे बी हेल्पफुल टू यू इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई द बेल्जियन वॉफल फ्लेवर। अगर आप ऐसे और फूड रिव्यूज़ के वीडियोज़ देखना पसंद करेंगे देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोज़। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी वीकेंड।